Hello students, I am Aju Mungia. Today we will do chapter 6, assignment 6.4. In this assignment, we will do sale tax. Sale tax को हम value added tax, VAT और GST भी बोलते हैं. ये एक तरह से indirect taxes होते हैं. इसको हम example की help से समझ लेते हैं. Example है यहाँ पे अमर buys a pair of shoes costing rupees 500. यहाँ पे cost of shoes कितनी है हमारे पास? कॉस्ट ऑफ शूज है हमारे पास 500 रुपीज. इसमें रेट ऑफ सेल टैक्स है हमारा 7%. रेट ऑफ सेल टैक्स है 7%. 7% ऑफ 500, 7/100 × 500, तो हमारा सेल टैक्स आ गया 35. सेल टैक्स को हम हमेशा कॉस्ट में प्लस करते हैं. डिस्काउंट को हमने क्या किया था? मार्केट प्राइसिंग से माइनस किया था. पर ये जो टैक्सेस हैं ये हमारे कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाते हैं. तो अमर हैव टू पे, अमर हैज टू पे, अमर को कितना पे करना पड़ेगा? 500 + 35. यहाँ पे सेल टैक्स को ऐड करते हैं, उसको टोटल जो कॉस्ट है कितनी पे करनी पड़ेगी शूज की? 535. हाँ जी, इसमें एक हम क्वेश्चन और करते हैं सेल टैक्स को समझने के लिए. राम परचेज सोफा सेट कॉस्टिंग रुपीज 12,350. अगर यहाँ डिस्काउंट की बात नहीं हो रही है तो ये जो इसका कॉस्ट प्राइस है, या भी बोलो सेलिंग प्राइस बोलो, लिस्ट प्राइस जो भी है यही है, तो इसकी कॉस्ट कितनी है? 12,350. इफ द रेट ऑफ सेल टैक्स इज 7%, यहाँ पे इसका सेल टैक्स कितना है? 7% है. कैलकुलेट द टोटल अमाउंट दैट ही हैज टू पे फॉर द सोफा सेट. राम सोफा सेट को खरीदने के लिए कितना अमाउंट परचेज, कितना अमाउंट पे करेगा? लेट्स सी सॉल्यूशन. कॉस्ट ऑफ सोफा सेट रुपीज 12,350, रेट ऑफ सेल टैक्स 7%. तुम्हारा सेल टैक्स हो गया 7% ऑफ, तो सेल टैक्स इस अमाउंट पे ही लगेगा, 7/100 × मल्टीप्लाई कर दो 7 × 35 7 × 21 24 7 × 14 14 × 16 1 864.50. इतना हमें सेल टैक्स देना पड़ेगा. अमाउंट ही हैज टू पे 7% खरीदने के लिए. अब आपने बस यही याद रखना है कि सेल टैक्स को हमने इस कॉस्ट में प्लस करना होगा. तो 12,350 + 864.5, नीचे जीरो लगा सकते हैं क्योंकि रुपीज है, प्लस कर लेते हैं 4, 6 और 5 11 2 3 1. तो टोटल राम को कितना पे करना पड़ेगा? 13,214.50 रुपीज में पे करना पड़ेगा सेल टैक्स को हमने इसमें प्लस कर. हाँ जी, हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर सेकेंड. संजू परचेज अ टू व्हीलर फॉर रुपीज 43,200 विद सेल टैक्स. इफ द रेट ऑफ सेल टैक्स इज 8%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द व्हीकल्स. इसमें कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जहां पर हमें ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस. तो यहाँ पे भी जो उसने पे किया है संजू ने 43,200, उसमें सेल टैक्स इंक्लूड था, ठीक है, और रेट ऑफ सेल टैक्स था हमारा 8%. हमने क्या फाइंड करना है? इसका सेलिंग प्राइस कितना था, मतलब इसका मार्केट प्राइस कितना था. तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ टू व्हीलर कितना है, टू व्हीलर एक्स रुपीज, ठीक है. रेट ऑफ सेल टैक्स 8% है हमारा, तो हमारा सेल टैक्स कितना हो गया? सेल्स टैक्स कितना हो गया हमारा? 8/100 × x, 8x/100. अमाउंट टू बी पेड, कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा संजय को? x + 8x/100, मतलब सेलिंग प्राइस भी पे करना पड़ेगा और इसका जो हमारा सेल टैक्स है वो भी पे करना पड़ेगा.
तो टोटल उसको पे करना पड़ेगा, एलसीएम ले लूं 108x अपॉन 100, बट एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड 43,200। संजोग ने एक्चुअल में कितना पे किया था? 43,200। बट नाउ 108x अपॉन 100 इज इक्वल टू 43,200। यहाँ पे मैं x की वैल्यू सेलिंग प्राइस निकालेंगे। अभी देखो ये 108 बाय 100 क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो इधर वाला जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब इसको हम काट देंगे, आपके अकॉर्डिंग आप काट सकते हो, टू से भी काट सकते हो। मैं इसको डायरेक्ट ही काट देती हूँ। 108 432 और ये 20 इसके साथ आ गई। 400 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 40,000। इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ बच्चों आप अपने आप कर लेना, क्योंकि जैसे मैंने क्वेश्चन सेकंड करवाया सेम वैसे ही है। ज्यादा देखना है तो इसका एग्जाम्पल 22 वो भी इनके जैसा सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ मैंने कर दिया, क्वेश्चन नंबर सिक्स आप खुद कर सकते हो, और एग्जाम्पल 21 देखोगे तो आपको और भी ज्यादा समझ आ जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेवन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेवन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है हमारा। ए शॉपकीपर गिव्स 8% डिस्काउंट ऑन द रेफ्रिजरेटर इफ द मार्क प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 15,500। तो इसका मार्क प्राइस कितना है? यहाँ पे मार्केट प्राइस है हमारा 15,500। अब इसके ऊपर पहले वो डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट कितना है? 8% ऑफ 15,500, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे मिलता है। यहाँ पे दोनों चीजें हैं, डिस्काउंट भी है और सेल्स टैक्स भी है। तो पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे, उसके बाद हम सेल्स टैक्स को प्लस करेंगे। तो हमारा डिस्काउंट हो गया 8 अपॉन 100 इंटू 15,500, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, 8 5 से 40, तो हमारा ये डिस्काउंट आ गया। डिस्काउंटेड प्राइस कितना आ गया हमारा? डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर डिस्काउंटेड प्राइस बोलो या यहाँ पे सेलिंग प्राइस बोलो, एक ही बात है, क्योंकि मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को यहाँ पे माइनस करना है। तो 15,500 माइनस 1,240 माइनस कर लेंगे हम, कितना आ गया? रुपीज 14,260। अब जो सेल टैक्स है हमारा इस प्राइस के ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर हमारा सेल टैक्स निकलेगा। लेट्स सी, हां जी, इसमें हमारा रेट ऑफ सेल टैक्स है 10%। जो सेल टैक्स है वो हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर लेंगे हम। तो लेट्स सी सेल टैक्स कितना आएगा। 10 अपॉन 100 इनटू 1,426 रुपीज हमारा आ गया सेल टैक्स। अब अमाउंट टू बी पेड, तो टोटल अमाउंट रेफ्रिजरेटर के लिए कितना पे किया गया? 14,260 जो हमारा डिस्काउंटेड प्राइस आया था, प्लस सेल टैक्स। सेल टैक्स हमारा 1,426, इनको प्लस कर लो। तुम्हारा आ गया रुपीज 15,686।